हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जितनी भी प्राचीन इतिहास की किताबें हैं जिनसे परीक्षा में प्रश्न बनते हैं उन सभी को कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं अपनी पहली बुक के साथ। हमारी पहली बुक है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। हमारी नेक्स्ट बुक है रामायण। रामायण के लेखक हैं वाल्मीकि। हमारी नेक्स्ट बुक है महाभारत। महाभारत के लेखक हैं वेद व्यास। अगली बुक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य। अगली बुक है हमारी महाभाष्य। महाभाष्य के लेखक हैं पतंजलि। हमारी नेक्स्ट बुक है सत्स्य है सारे का सूत्र। इसके लेखक हैं नागार्जुन। हमारी नेक्स्ट बुक है बुद्धचरित। बुद्धचरित के लेखक हैं अश्व घोष। हमारी नेक्स्ट बुक है सौंदरानंद। सौंदरानंद के लेखक भी हैं अश्व घोष। हमारी नेक्स्ट बुक है महाभिभाषा शास्त्र। इसके लेखक हैं बसुमित्र। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट बुक है स्वप्न वासवदत्ता। इसके लेखक हैं भाष। हमारी नेक्स्ट बुक है कामसूत्र। इसके लेखक हैं वात्स्यायन। हमारी नेक्स्ट बुक है कुमार संभवम। इसके बुक हैं कालिदास। फ्रेंड्स, कालिदास की बुक सारी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने उनकी जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं सभी एक ही बार में कवर कर दी हैं। तो हमारी नेक्स्ट बुक है अभिज्ञान शाकुंतलम, ये भी कालिदास की बुक है। अगली बुक है मेघदूतम, ये भी कालिदास की बुक है। रघुवंशम, ये भी कालिदास की बुक है। नेक्स्ट बुक है विक्रमो उर्वशियाँ, ये भी कालिदास की बुक है। मालविकाग्निमित्रम, यह भी कालिदास की बुक है। हमारी नेक्स्ट बुक है नाट्यशास्त्र, इसे भरत मुनि ने लिखा है। अगली बुक है देवी चंद्रगुप्तम, इसे विशाख दत्त ने लिखा है। आगे चलते हैं फ्रेंड। हमारी अगली बुक है मृक्षकटिकम, इसे शूद्रक ने लिखा है। हमारी अगली बुक है सूर्य सिद्धांत, इसे आर्यभट्ट ने लिखा है। हमारी नेक्स्ट बुक है बृहद संहिता, इसे बराह मीर ने लिखा है। हमारी नेक्स्ट बुक है पंचतंत्र, इसे विष्णु शर्मा ने लिखा है। हमारी नेक्स्ट बुक है कथा सरित सागर, इसे सोमदेव ने लिखा है। हमारी नेक्स्ट बुक है अभिधम्म कोश, इसे बसुबंधु ने लिखा है। नेक्स्ट बुक है मुद्रा राक्षस, यह बहुत इंपॉर्टेंट बुक है फ्रेंड, मुद्रा राक्षस। इसके लेखक हैं विशाख दत्त। हमारी नेक्स्ट बुक है रावण वध, इसे भट्टिट ने लिखा है। हमारी नेक्स्ट बुक है किरातार्जुनीयम, इसे भारवी ने लिखा है। और हमारी नेक्स्ट बुक है दस कुमार चरितम, यह भी एक इंपॉर्टेंट बुक है फ्रेंड, इसे दंडी ने लिखा है। आगे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट बुक है हर्षचरित। हर्षचरित को बाणभट्ट ने लिखा है। नेक्स्ट बुक है कादंबरी, इसे भी बाणभट्ट ने लिखा है। ये हर्षचरित और कादंबरी ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट बुक है वासवदत्ता, इसे सुबंधु ने लिखा है। हमारी नेक्स्ट बुक है नागानंद, इसे हर्षवर्धन ने लिखा है। फ्रेंड्स, हर्षवर्धन की बुक भी इम्पोर्टेंट है। इनकी तीन बुक हैं जो इम्पोर्टेंट है, मैंने यहाँ पर कवर कर दी हैं। इनकी बुक है रत्नावली, इसको भी हर्षवर्धन ने लिखा है। नेक्स्ट बुक है प्रियदर्शिका, इसको भी हर्षवर्धन ने ही लिखा है। हमारी नेक्स्ट बुक है मालती माधव, इसे भवभूति ने लिखा है। नेक्स्ट बुक है पृथ्वीराज विजय, इसके लेखक जयानायक हैं। हमारी नेक्स्ट बुक है कर्पूर मंजरी, इसके लेखक हैं राजशेखर। नेक्स्ट बुक है काव्य मीमांसा, इसके लेखक भी राजशेखर हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड। हमारी अगली बुक है नवसहसांग चरित, इसे पद्मगुप्त ने लिखा है। हमारी नेक्स्ट बुक है शब्दानुशासन, इसे राजभोज ने लिखा है। हमारी नेक्स्ट बुक है गीत गोविंद। गीत गोविंद बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसे जयदेव ने लिखा है। यहाँ पर नीचे जितनी भी ये बुक्स हैं, ये पृथ्वीराज रासो, इसे ये राज तरंगिणी, रामचरित, ये तीनों बुक्स भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपको याद रखना है। इसे पृथ्वीराज रासो, इसे चंद्रवरदाई ने लिखा है। राज तरंगिणी, इसे कलहण ने लिखा है। और रामचरित, इसे संध्या कर नंदी ने लिखा है। फ्रेंड्स, ये रामचरित है, रामचरित मानस नहीं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रामचरित, रामचरित को लिखा है संध्या कर नंदी ने। तो हमारी यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है फ्रेंड। मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और इससे पहले हमारे चैनल पर और भी इतिहास की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आ चुकी हैं, आप जाकर के उनको भी देखें। तब तक के लिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत, जय हिंद।